मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के समय घोषणाएं तो करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें भूल जाती है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर कहा कि क्या सरकार ने जो वादे विधानसभा चुनाव में किए थे वो अमरवाड़ा उपचुनाव में पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के समय ही घोषणाएं करती है, जीत के बाद घोषणाओं को भूल जाती है। उमंग सिंगार ने कहा, सरकार बने 6 माह से ज़्यादा समय हो गया है, मगर अब तक लाडली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई है। आज भी सिर्फ 1250 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जबकि कहा गया था कि बहनों को 3000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह किसानों से किए गए वादे भी अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। भाजपा का मैनेजमेंट कैसा होता है, आपको पता है कि चुनाव के समय लोक लुभावनी घोषणाएं आती है, लेकिन 5 साल काम नहीं होते। आज लाडली बहना को 6 महीने होने आए, लेकिन 1500-1200 से ऊपर नहीं बढ़ पाए लोग 1200 से। तो क्या 3000 रुपये घोषणा पत्र के हिसाब से देंगे? दें अमरवाड़ा में, क्यों नहीं देना चाहते? क्यों 2700 रुपये आपने गेहूँ नहीं दिया? तो ये सिर्फ घोषणाएं इनकी चुनाव तक रहती है, लेकिन 5 साल आराम करो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।